उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बृजेश पाठक एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए। इस दौरान काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित हेलीपैड ग्राउंड पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का आगमन हुआ। इस दौरान कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव के साथ ही भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के पहुंचने के बाद लोगों ने उन्हें गुलाब का फूल व माल्यार्पण कर काशी आगमन पर स्वागत किया। इसके बाद बीएचयू हेलीपैड से सीधे सड़क मार्ग होते हुए उप मुख्यमंत्री सेवापुरी विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा में कहा कि ये यात्रा या आयोजन नहीं बल्कि पीएम मोदी की गारंटी है। पहली बार सरकार गांव गांव जाकर लोगों को योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। कोई भी व्यक्ति योजनाओं से लाभान्वित होने से वंचित नहीं रहने पाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम लोग शामिल होने के लिए आए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन जन में जो मोदी की गारंटी वाली वैन है वो पहुंच रही है और केंद्र की जितनी भी हमारी योजनाएं हैं गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंचे और सभी लाभार्थियों का हम लोग सम्मान करते हैं। उसके बाद जो छूट गए हैं वंचित रह गए हैं जरूरतमंद है उनका रजिस्ट्रेशन करा के उनको तत्काल लाभ दिलाने की व्यवस्था हो रही है। डिप्टी सीएम एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी के अराजी लाइन ब्लॉक के रामरायपुर गांव पहुंचे थे। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत योजनाओं के स्टॉलों का निरीक्षण किया। सभी गांवों में और वाराणसी शहर के सभी वार्डों में पहुंच रही है। वार्ड वाराणसी शहर के पूरी तरह से संतृप्त हो चुके हैं। सब जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वाली वैन पहुंच चुकी है। केंद्र प्रदेश की जो हमारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं गरीब कल्याण योजनाएं वो जन जन तक पहुंच रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि ये मोदी जी की गारंटी वाली वैन गाँव गाँव पहुँच करके लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे और जिन भाई बहनों को केंद्र की माननीय मोदी जी की योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है उनका वहीं रजिस्ट्रेशन करके उनको तत्काल लाभ दिलाएंगे। ऐसे सभी लाभार्थियों को आज हमने सम्मानित किया है। इसके अलावा जो हमारे भाई बहन लाभार्थी हैं वो लाभ नहीं मिल पाया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान भारत का कार्ड हो, पीएम स्वनिधि हो, ऐसे सभी योजनाओं से आज उन्हें रजिस्ट्रेशन करा के तत्काल आच्छादित कराने का काम किया जा रहा है। निश्चलानंद जी राम मंदिर रामलला के नाम प्रतिष्ठा होने उनका कहना है कि ये राजनीतिक काम हो रहा है, मोदी जी अगर उद्घाटन करते हैं तो मैं उसमें नहीं जाऊं। हम सब कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से मोदी जी की गारंटी वाली वैन के माध्यम से जन जन तक गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी 80 के 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। वहीं अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन भी किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में डिप्टी सीएम विश्वनाथ धाम पहुंचे और बाबा का विधिवत पूजन किया। दर्शन पूजन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि भव्य तरीके से राम दरबार सजेगा। सर आज बाबा के दर पे आए हैं। बाबा विश्वनाथ के दर पे मैं उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को सुख संपत्ति वैभव मिले और सभी लोग प्रसन्न रहे, सबके कष्टों का नाश हो, उत्तर प्रदेश के विकास का आशीर्वाद मांगा है। और सर जो अयोध्या के लिए क्या चल रहा है सर, क्या विशेष तैयारी सरकार की? देखिए पूरी तरह से अयोध्या नई अयोध्या तैयार हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिटी डेवलप हो रहा है, वर्ल्ड क्लास सिटी डेवलप हो रहा है। अभी एयरपोर्ट का उद्घाटन, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और पूरी तरह से अयोध्या नव्य बन करके भव्य अयोध्या तैयार हो रही है।